हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, और इसी क्रम में जो आज हमारा 14वां दिन है उसमें हम जीएस पेपर 3 के, जो कि हमारे टाइम टेबल के हिसाब से है, एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन को उठाएंगे कि क्लाइमेट इशूज़ को आंसरों को किस तरह से लिखा जाए। अभी तक हम देखते आ रहे थे, अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को हमने देखा, अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने देखा। आज हम एक विशेष जो क्लाइमेट इश्यूज़ के टॉपिक हैं, हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, उसको किस प्रकार लिखा जाए। जैसे कई बार पूछता है जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, इसके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। इस तरह से जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न, और बेसिकली जिस पे हम फोकस कर रहे हैं स्ट्रक्चरिंग, ताकि 250 शब्दों में आंसर राइटिंग हो सके, आज हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं इसका 250 शब्दों में आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप key.me/upscihindiwithgaurav से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी के अन्य जो मटेरियल्स हैं वह भी निःशुल्क प्राप्त होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, और मैंने जो 2019 की जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसका इंटरव्यू दिया है, और हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका महत्वपूर्ण है, टिप्पणी करें। देखिए, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं इसके। पहली बात क्या बोला है, एक तो जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका। आप प्रश्न को ब्रेक करेंगे तो आपको दो चीज समझ में आएगा, एक जलवायु परिवर्तन एक समस्या हो रही है, ठीक है, दूसरा उसके समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका। और बोला है कि ये भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है और आपको टिप्पणी करना है। टिप्पणी करने का मतलब होता है कमेंट, अर्थात आप क्या ये जो कथन है इससे सहमत हैं, क्या असहमत हैं, या कुछ हद तक सहमत हैं कुछ हद तक असहमत हैं। तो जनरली हम जब यूपीएससी का आंसर लिखते हैं तो एज एडमिनिस्ट्रेटर हमको ये माना जाता है कि हम संतुलित आंसर देंगे, और संतुलित आंसर देने में हमारा अप्रोच हमेशा रहता है बैलेंस, कि कुछ हद तक सहमत हैं कुछ हद तक असहमत भी हैं। तो इस तरह का जो टिप्पणी करने वाला जो क्वेश्चन आता है तो हम आंसर हमेशा कोशिश करते हैं कि बैलेंस अप्रोच में रखें, कि कथन के साथ जाएं लेकिन कुछ असहमति के कारणों को भी दर्शाएं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के जो भी प्रश्न आते हैं तो उसका सबसे बड़ी बात होती है, पहले तो आपको प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न की मांग क्या है। आप देखेंगे अगर इस प्रश्न को पढ़ के तो प्रश्न में सीधे बोला है जलवायु वित्तीयन की भूमिका। अगर आपने अभी का मैड्रिड जो सम्मेलन हुआ था, जो मैड्रिड COP25 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये जो कीवर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी, आपको पता होंगी। नहीं पता होंगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं अगली बार से ऐसा प्रयास करूँगा, या फिर हम कुछ नए तरीके से लाएंगे कि पहले टॉपिक डिस्कशन करें और फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करें। लेकिन जो हमारा बेसिक मोटो है इस प्लेटफॉर्म का, कि आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग सिखाई जाए, न कि हमारा कंटेंट डेवलपिंग बेसिक फोकस नहीं है। हमारा बेसिक फोकस है कि आपको जितना आता है उतने में आप एक अच्छा आंसर किस प्रकार लिख पाएं, उस पर फोकस किया जाए। तो आप बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, अपने सुझाव दें, हम उस प्रकार से भी प्रयास करेंगे। तो आपने अगर देखा होगा कि COP25 में भी क्या हुआ, जलवायु जो वित्तीयन थी उसका समाधान नहीं हो पाया, तो इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में रही है और इसलिए ये वित्तीयन की समस्या आती है सामने। आपको प्रश्न समझना होगा कि भाई किसकी बात कर रहा है, ये जो मुख्य फोकस है प्रश्न का वो है इस समस्या के समाधान में वित्तीयन की भूमिका, ठीक है। आपको ये समझना है, आपको ये नहीं बताने लग जाना है कि वित्तीयन के इतने तंत्र हैं, अपना नॉलेज नहीं यहाँ पे भगाना है कि पेरिस में ये काम किया गया वित्तीयन के लिए, क्योटो में कुछ वित्तीयन के। आपको जो जो चीज़ें याद हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF बोलते हैं हम उसको, जो जो चीज़ें आपको याद हैं आपको उसको इंक्लूड करना है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ पे प्रश्न में फोकस करना है हमको वहीं पे इन चीज़ों को इंक्लूड करना है, ना कि कहीं भी। तो इस बात को समझें। दूसरी बात दोस्तों, एक मेरा सजेशन है कि जब, क्योंकि इससे मुझे भी फायदा हुआ है और मैंने जब टेस्ट सीरीज भी दी थी, जितनी टेस्ट सीरीज मैंने भी सॉल्व किए हैं, और जब मैं इस तरह से आंसर राइटिंग करता हूँ तो मुझे स्पेशल एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, और नीचे कमेंट्स में लिखा भी जाता है कि वेरी गुड। उसका कुछ कारण है कि ये देखिए, आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका, भारत के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, इसमें विश्व के रिस्पेक्ट में पूछा है। लेकिन अगर आप
कुछ भारत के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक बताते हैं इन चीज़ों को, तो आपको मार्क्स तय है कि एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी इससे पता चलता है कि आपकी भारत के प्रति समझ अच्छी है। दूसरी बात जो टिप्स है, प्रश्न का वेटेज डिसाइड करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका। तो कई लोग क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन एक समस्या है इसी को समझाने लग जाते हैं, और अगर मैं कहूँ 250 शब्द का उत्तर है तो लोग क्या करते हैं 100 से 150 शब्द इसी में खर्चा कर देते हैं कि जलवायु परिवर्तन समस्या क्या है, और कई लोग तो उससे भी आगे जाके पूरा आंसर ही जलवायु परिवर्तन समस्या को समझाने में लग जाते हैं, वित्तीयन की भूमिका को बताते ही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि आपको प्रश्न की समझ नहीं है, नहीं आप क्या किए हैं, प्रश्न का भार डिसाइड किए हैं, और प्रश्न ध्यान से पढ़ें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कीवर्ड्स और संरचना महत्वपूर्ण है, और संरचना किस प्रकार महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्नों की, यह भी हम समझेंगे, इसको हम देखने का प्रयास आंसर राइटिंग में करेंगे। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात, आप यूपीएससी हिंदी विद गौरव को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब कराएं, कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके। तो देखते हैं जो हमारा दृष्टिकोण है प्रश्न का, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको प्रश्न याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप नोट कर लें। प्रश्न में भूमिका बात करते हैं, मुख्य भाग की बात करते हैं और निष्कर्ष की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भूमिका दो तरीके से आप लिख सकते हैं बेसिकली, क्या पहला क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योंकि देखिए जो कीवर्ड है जलवायु परिवर्तन की समस्या, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो आप क्या करें, हो सके आपके पास टाइम हो तो आप जलवायु परिवर्तन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक बार। दूसरी बात आप क्या उठा सकते हैं कि जलवायु वित्तीयन का मुद्दा, क्यों, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है जलवायु वित्तीयन की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें, भूमिका हमारी दो प्रकार की होती है बेसिकली। ठीक है, एक तो हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं जो हमने यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए आज मैंने दो तरह की भूमिका आपको लिख के दिखाई। दूसरा, वो जो मुद्दा है जिस पर प्रश्न पूछा गया है वो आखिर में चर्चा में क्यों था, आखिर में ये प्रश्न चर्चा में क्यों था, ये चीज़ें चर्चा में क्यों थी, तो आप उसका जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड इशू है, इसको भी आप एक भूमिका में लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ कि कब आप ऐसी भूमिका प्रयोग करेंगे कीवर्ड्स को, कब आप ऐसी भूमिका प्रयोग करेंगे बैकग्राउंड को। देखिए अगर प्रश्न में सिंपल कीवर्ड है, जैसे मेरे मानने में यहाँ पे जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही सामान्य घटना है, यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत आसानी से पता है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, वो आपको चेक नहीं करने वाले कि आपको जलवायु परिवर्तन पता है कि नहीं, नहीं तो अगर उन्हें ये चेक करना रहता तो वो सीधे प्रश्न में बोलते कि जलवायु परिवर्तन को परिभाषित करिए या जलवायु परिवर्तन को समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न वो पूछ सकते थे। वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जलवायु परिवर्तन से बचिए, वो आपको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप सीधा वित्तीयन के मुद्दे पर आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार है कि जैसे बात करूँ डबल जो बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इस प्रकार का अगर प्रश्न है कि डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, या फिर ऐसे ना पूछे, बोले हाल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम बन के उभरी है, टिप्पणी करें। अब आपको यहाँ पे डबल बैलेंस शीट समस्या समझाना अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि सामान्य तौर पर केवल मैं मेंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी मेंबर्स की, आप ये समझें आपका आंसर कोई आम आदमी पढ़ रहा है, तो कोई आम आदमी को एक बार जलवायु परिवर्तन के बारे में पता होगा भी, लेकिन उसको डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में तय है कि नहीं पता होगा, लगभग आप 90% श्योर हो सकते हैं कि बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो आप भूमिका किस प्रकार लिखनी है, आप इस तरह से प्रश्न पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं। इस प्रश्न में मैंने दोनों तरीके से भूमिका लिखी है और आप दोनों तरीके से देखें, अभी मैं समझाता हूँ। मुख्य भाग में क्या बताना है आपको, क्लाइमेट चेंज की समस्या के समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका, क्योंकि वही प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़िए, इस समस्या के समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका, वही हमें मुख्य भाग में समझाना है। और निष्कर्ष क्या लिखना है, आगे की राह, यानी आगे क्या किया जाए, ये हम हर बार ही देख रहे हैं कि निष्कर्ष में हम कुछ भविष्यगामी सोच, कुछ भारत सरकार की योजनाएं, इसको इंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं भूमिका टाइप वन। टाइप वन क्या है, देखिए इसको मैंने जलवायु परिवर्तन समझाया, वर्तमान जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊष्मा वितरण में हुए
परिवर्तन से जलवायु स्वरूपों में परिवर्तन से है। देखिए जलवायु परिवर्तन की डिफिनीशन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। मेरा से सजेशन है कि कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उसका आप 10 वर्ड्स में या 20 वर्ड्स में डिफिनीशन याद रखें। जैसे मैंने अभी बात की थी दोहरा बैलेंस शीट घाटा, डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम की मैंने बात की थी, आपको ऐसे जो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं उसका 20 वर्ड्स में आप एकदम रटा रटाए डिफिनीशन याद रखें। इससे आपको एग्ज़ाम में शुरुआत करने में बहुत ही स्पीड मिलती है और आप जल्दी से आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जलवायु परिवर्तन को जो टेक्नोलॉजिकल कीवर्ड्स है उसमें यूज़ किया है कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन अलग अलग कारणों से होती है और आप उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ सकते। आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से भी जलवायु परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसकी वजह से जो कण प्रवाहित होते हैं वातावरण में उसकी वजह से हिमयुग भी आ सकता है। तो जलवायु परिवर्तन अलग अलग कारणों से होता है लेकिन हमें वर्तमान जलवायु परिवर्तन की बात करनी है। बेसिकली हमें उस पर फोकस रहना है। तो हमें क्या समझाना है कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों के मानवीय कारण से हो रहा है। तो मैंने बेसिकली उसको समझा दिया। लगभग देखिए आप 20 वर्ड्स में मैंने खत्म कर दिया। अब आपको क्या बताना है वही आगे बढ़ते हैं भूमिका में। 21वीं सदी में मानव समाज के समक्ष जलवायु परिवर्तन ने कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्याओं को जन्म दिया है। ये हमारी भूमिका समाप्त हो गई। तो एक भूमिका का ये प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार देखते हैं जो टाइप टू है। टाइप टू मैंने क्या लिखा, हाल ही में पेरिस प्रतिभागियों के मैड्रिड सम्मेलन में विकसित देश अपनी $100 बिलियन की जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता के किसी भी समझौते तक पहुंचने में असफल रहे। तो मैंने जो करंट न्यूज में था ठीक है उसी को यहाँ पे लाके रख दिया कि भाई जो पेरिस समझौते के तहत तय हुआ था कि जो विकसित देश हैं वो प्रतिवर्ष $100 बिलियन का एक फंड बना के विकासशील देशों को अनुकूलन संबंधी, जिसको हम अडॉप्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में, अनुकूलन संबंधी परियोजनाओं में योगदान देंगे। लेकिन वर्तमान में भी देखेंगे आप अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो गया और जो देश हैं, जो अन्य विकसित देश हैं इस समझौते में, वो लोग अभी तक अपनी प्रतिबद्धताओं को एक ढांचागत रूप देने में, जो प्रतिबद्धता है वो दर्शाने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं जलवायु वित्तीयन एक पुनः चर्चा में मुद्दा आ गया। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए मेरी कनेक्टिंग लाइन क्या होगी, जो भूमिका टाइप वन है उसमें आप तुलना कर सकते हैं दोनों में और आपको जो अच्छा लगे दोनों एग्जाम में आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही भूमिकाएँ उचित हैं, कोई भूमिका इसमें गलत नहीं है। अब देखिए मैंने पहली जो भूमिका थी जिसमें मैंने जलवायु परिवर्तन समझाया था उसमें मैंने क्या लिखा कनेक्टिंग लाइन, इस समस्या के समाधान हेतु क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, पृथ्वी सम्मेलन आदि वार्ताओं में जलवायु वित्तीयन की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। अब मैंने कनेक्टिंग लाइन जोड़ दी कि जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की उसमें विभिन्न क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, पृथ्वी सम्मेलन, इसको बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए आपके दिमाग में जब हमने ये आंसर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरिंग में प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि सर ये जो समस्या थी ये कहाँ गई, ये तो आपने लिखी नहीं, जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी थोड़ा बताना था। अब आप इस बात को समझें, एक तरीका ये है आंसर राइटिंग का। मैं आज तुलनात्मक अध्ययन करने के मूड में हूँ, अलग अलग तरीके से चाहता हूँ कि आप देखें आंसर राइटिंग की आप स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मैं बेसिकली उस पर फोकस करता हूँ और आज भी मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। देखिए मुख्य भाग को लिखने का एक तरीका है, पहले मैं क्लाइमेट चेंज की समस्या को समझा दूँ या फिर मैं क्या करूँ, एक यहाँ पे मैं ये जो यहाँ पे मैं एक सर्किल बनाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ क्लाइमेट चेंज की समस्या, या तो मैं ऐसे कर दूँ प्रत्यक्ष समस्या अप्रत्यक्ष समस्या, ये दो हेडिंग्स में डाल दूँ और 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स लिख दूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही स्पेस टाइम है नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा समस्या को, या फिर मैं सीधे ये जो फ्लो डायग्राम है वो बना के सीधे लिख दूं, खाद्य सुरक्षा पे समस्या, जलवायु शरणार्थी, ऐसे मैं 2-4 पॉइंट यहाँ पे समस्याओं को बता दूं। ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है। लेकिन दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है प्रश्न को अगर आप समझेंगे तो प्रश्न में बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में जलवायु वित्तीयन की भूमिका महत्वपूर्ण है, आपको ये बात बतानी है। तो क्यों ना मैं इस तरह का स्ट्रक्चरिंग करूं, यहां पे देखिए कि जलवायु परिवर्तन की समस्या बगल में बताई और उसके समाधान में वित्तीयन की भूमिका को दिखा दिया, एक एक समस्या उसकी भूमिका, एक एक समस्या उसकी भूमिका, यहां पे सीधे सीधे एग्जामिनर को लिंक हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आपके
उत्तर से लिंक हो जाएगा। अब आपको समझना है, आप दोनों स्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं। आप पहले क्या बताएं, समस्या अलग से बता दें, और उसके बाद आप जो भूमिका है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में जलवायु वित्तीयन की, उसको समझा सकते हैं। या फिर आप जो मैंने पैटर्न यूज किया है, क्योंकि मैं इसका यूज थ्रू हो चुका हूं, कि किनारे एक लाइन खींची, जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्या को दिखाया, और उसी के बगल में उसका समाधान जलवायु वित्तीयन से किस प्रकार संभव है, यानी जलवायु वित्तीयन क्यों महत्वपूर्ण है इस समस्या के समाधान के लिए, मैंने वो दिखा दिया। तो ये आपकी मर्जी है, पूरा सोल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों तरीके के आंसर बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है। हालांकि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन अभी किया है उसमें आपको एज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को बार बार घूमने की जरूरत नहीं है, बार बार समस्याओं को देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इस बात को समझें, और देखिए दोनों में से आप कोई भी भूमिका यूज करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप कनेक्टिंग लाइन जोड़ सकते हैं कि इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भूमिका महत्वपूर्ण जाती है। भूमिका टाइप वन में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बॉडी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से लिखने का प्रयास करें जब ऐसा कोई प्रश्न पूछे। अब देखिए मैंने क्या बताया, पहली समस्या नंबर वन, विकासशील देशों में न्यून कार्बन फुटप्रिंट विकास कैसे हो, यही तो समस्या है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहे हैं बहुत ज्यादा, विकसित देश खूब करते हैं, और उनके पास तो लेकिन तकनीक आ गई है, थोड़ी बहुत वो ग्रीन तकनीकों पर जोर दे सकते हैं, लेकिन विकासशील देश जिनके पास तकनीक नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कोयला यूज करें जो अपना विकास है उसके लिए, कि सौर एनर्जी यूज करें, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैंने उसको समझाया वित्तीयन की भूमिका, देखिए कैसे समझाया, क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट तंत्र। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपको जो वित्तीयन तंत्र हैं उनको समझाना भी है, यहाँ पे बताना भी है वित्तीयन तंत्रों को, लेकिन प्रश्न में लिंक करके बताना है, न कि आपको बताना है कि वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन में वित्तीयन है वो इस प्रकार से होता है, आपको ऐसे बताना है अलग अलग, पहले क्योटो प्रोटोकॉल का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, या फिर कानकुन का जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, या फिर जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, या फिर जो अडॉप्टेशन फंड है, आप इस तरह से अलग अलग बताएं, ये प्रश्न को बिखार देगा और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ढांचागत नहीं हो पाएगा, व्यवस्था नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसकी बजाय जो हम आंसर लिख रहे हैं उसमें इन चीज़ों को बीच बीच में यूज़ करें, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, और अपना आंसर एक रूपरेखा वाइज सही करें। देखिए मैंने क्या बताया, विकासशील देशों में न्यून कार्बन फुटप्रिंट विकास कैसे हो, मेरा पहला जो समस्या है वो है जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्या। तो मैंने क्या बताया, क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट तंत्र के तहत कार्बन बाजार का वित्तीयन, तकनीकी हस्तांतरण एवं स्वच्छ ऊर्जा पहले, उदाहरण भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ, तो इसकी भूमिका मैंने बता दी। मैंने क्या बताया कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, उसके तहत जो कार्बन मार्केट होता है, CO2 मार्केट, उसके तहत पैसा मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हैं इन देशों में विकास करने के लिए। आप तकनीकी हस्तांतरण कर सकते हैं विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर, एवं आप स्वच्छ ऊर्जा पहले चला सकते हैं, जैसे भारत ने क्या चलाया, मैंने बताया ना आपसे कि भारत स्पेसिफिक कोशिश करें लिखने की, तो मैंने क्या बताया, भारत ने क्या चलाया, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ, आप उसको बता सकते हैं। फिर जो दूसरा समस्या है जलवायु परिवर्तन से उपजी, वो क्या है, समाज के निचले वर्ग की आजीविका सुरक्षा यानी लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जलवायु आपदाओं से रक्षा, ठीक है, जो क्लाइमेट डिजास्टर है उससे रक्षा कैसे हो, ये मेरा दूसरा प्रश्न उठता है। जलवायु परिवर्तन की दूसरी प्रमुख समस्या ये है आजीविका सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, क्लाइमेट जो डिजास्टर है डायरेक्टली उससे सुरक्षा। तो मैंने क्या बताया, वित्तीयन की भूमिका, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, विश्व बैंक के अनुदानों के माध्यम से वहनीय आवास बनाए जाएं, देखिए इनको क्या है, बाढ़ सूखा चक्रवात इन सब से रक्षा करने के लिए क्या बनाया जाए, वहनीय आवास बनाए जाएं, निचले वर्ग हैं वहनीय आवास बनाए जाएं, स्वच्छ जल की उपलब्धता कराई जाए, उदाहरण मैंने बता दिया कि देखो अटल भूजल योजना भारत में चलती है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति की जाए, ठीक है। तो अगर हम वित्तीयन के माध्यम से कुल मिला जुला के जो ये पॉइंट्स मैंने लिखा है आपको समझने के लिए समझा दूं, कि अगर मैं वित्तीयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति कर लेता हूं तो ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे जलवायु वित्तीयन की भूमिका आपको दिख रही होगी कि कितनी महत्वपूर्ण है, यानी वित्तीयन अगर हम कर देंगे तो दूसरी समस्या भी समाधान हो जाएगी, ठीक है, इस बात को समझिए। अब जो तीसरा पॉइंट है, उद्योगों का न्यून कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि भाई इंडस्ट्री एक बड़ा हित ग्रुप है, हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप है क्लाइमेट चेंज में, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो फोर्स इंडस्ट्रीज को ही लगाया जा रहा है कि आप न्यून कार्बन फुटप्रिंट वाली तकनीकों का यूज करिए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जलवायु वित्तीयन कैसे भूमिका निभा सकता है, न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी, उदाहरण के तौर पे
आप भारत में देखेंगे तो अल्ट्रा क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अल्ट्रा क्रिटिकल पावर प्लांट बेसिकली क्या होते हैं, उच्च दाब पर जो पावर प्लांट काम करते हैं। उच्च दाब पे काम करने से ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जो पानी है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पानी का तो जो ईंधन की दक्षता होती है वो दक्षता बढ़ जाती है। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जरूर चेक करें एक बार, अल्ट्रा क्रिटिकल पावर प्लांट क्या होता है उसको देखें एक बार। कुल मिला जुला के आपको ये समझना है ईंधन की दक्षता बढ़ जाती है अल्ट्रा क्रिटिकल पावर प्लांट में। प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत आधारित वित्तीय द्वारा समाधान। तो मैंने कहा कि ये जो समस्या उद्योगों का न्यून कार्बन फुटप्रिंट, तो आपको पता होगा एक प्रिंसिपल होता है क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट पॉलिटिक्स होती है उसमें एक प्रिंसिपल होता है पॉल्यूटर प्ले पॉल्यूटर पे, यानी जो प्रदूषक है जो पॉल्यूटर है वही पेमेंट करे। तो क्या करें इसके लिए, जो पॉल्यूटर है वो पेमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे भारत में कोयला कर लगाया जाता है, कोयला पर स्वच्छ ऊर्जा कर लगाया जाता है सेस। तो ये क्या हो रहा है, जो कोयला यूज कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं। ईंधन पे लगाया जाता है डीजल पे जो टैक्स लगाया जाता है, इसको बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स की वर्ड्स के बारे में बात करें तो इसको हम कहते हैं पिगुवियन टैक्सेस, ठीक है, पिगुवियन टैक्सेस इसको बोलते हैं। तो आप क्या बता रहे हैं, न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी तथा प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत आधारित वित्तीय द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है, ठीक है। मतलब हम न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी यूज करें उद्योगों में और इसका समाधान वित्तीयन कहाँ से प्राप्त करें, इसका वित्तीयन हम प्राप्त कर सकते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से, तो मैंने ये बताया। फिर तीसरा जो चौथा पॉइंट है हमारा, जैव विविधता का ह्रास कैसे रोका जाए। भाई तो क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैव विविधता हो जाती है, उसकी ह्रास हो जाती है, तो उसको मैंने क्या बताया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, और ग्रीन कार्बन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड है सॉरी, और तथा एडॉप्टेशन फंड एवं कैंपा कोषों आदि के माध्यम से पुनर्वनीकरण, ग्रीन स्किल का विकास एवं संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि हेतु वित्तीय आवश्यक है। तो मैंने बताया देखिए इसका क्या महत्व है, मैंने बताया कि भाई जैव विविधता को क्षति रोकनी है तो आपको वित्तीयन करना पड़ेगा। किसका वित्तीयन करना पड़ेगा, किसके लिए वित्तीयन करना पड़ेगा, पुनर्वनीकरण के लिए वित्तीयन करना पड़ेगा, ग्रीन स्किल के विकास के लिए वित्तीयन करना पड़ेगा। आपको पता होगा भारत सरकार ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है एंड क्लाइमेट चेंज MoEFCC बोलते हैं उसको। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करनी पड़ेगी और ये जो तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इसके लिए वित्तीयन अनिवार्य है। और मैंने क्या बताया, इसके लिए वित्तीयन कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, GF GCF और अडॉप्टेशन फंड और भारत में जो कैंपा कोष है उसके तहत आप प्राप्त कर सकते हैं, मैंने इसको समझाया। पांचवा जो पॉइंट है, जलवायु शरणार्थी मुख्यतः जिसको SIDS बोलते हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स SIDS सीड्स बोलते हैं इसको, जलवायु शरणार्थी की समस्या जो होती है उसके लिए मैंने क्या बताया, जलवायु परिवर्तन प्रेरित जल स्तर वृद्धि से पुनर्वास हेतु वित्तीयन महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे आप बस केवल इतना लिखते वित्तीयन, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो हर जगह कॉमन आ जाएगा और एग्जामिनर को इतना समझ में आता है। बेसिकली एग्जामिनर चाहता है कि आपको टू द पॉइंट, क्योंकि देखिए ये जो GS का आंसर होता है इसकी समस्या ये है कि आपको 250 शब्दों में ही लिखना है, तो आप अगर अपने वर्डिंग्स पूरे करने लग जाएंगे तो नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स को भी देखेंगे, जो भी टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपी में वो टू द पॉइंट लिखते हैं, शब्द कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वाक्य पूरा कंप्लीट करने की, आप टू द अपना पॉइंट समझा दीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ बस, बहुत है। और स्ट्रक्चरिंग है ही आंसर की, तो आप देखें कि जलवायु शरणार्थी जो हैं मुख्यतः छोटे द्वीपीय देश, उनकी समस्या का समाधान के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, वित्तीयन करना चाहिए, वित्तीयन महत्वपूर्ण है, तो मैंने ये बात समझा दी। आप समझे मैंने वित्तीयन की भूमिका बता दी, अब मुझे बताना पड़ेगा कि केवल वित्तीयन ही नहीं अनिवार्य है, इस बात को समझें, केवल वित्तीयन ही नहीं अनिवार्य है, वित्तीयन के साथ और भी कुछ किया जाए, मैंने उसको समझा दिया, जो कि हमारा होता है निष्कर्ष। लेकिन उसके पहले जो मैंने कहा था आप कुछ भारत स्पेसिफिक लिख सकते हैं अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो, और मैंने क्या किया एक बक्सा बनाया किनारे पेज के, और भारत में जलवायु वित्तीयन किस प्रकार होता है मैंने उसको समझा दिया कि देखो भारत सरकार भी जलवायु वित्तीयन के लिए सतर्क है, कुछ ना कुछ उपाय कर रही है। इसको मैंने समझाया कैसे समझाया, भारत में जलवायु वित्तीयन तीन तरीके से होता है, निजी क्षेत्र, सरकारी प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय अनुदान से। निजी क्षेत्र में क्या, जैसे परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड एक पैट प्रोग्राम है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत में चलाती है, इसके बारे में आप अवश्य पढ़ें। दूसरा नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि आप देखेंगे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है भारत का उसके अंतर्गत है। इसके अलावा कैंपा कोष, कैंपा कोष क्या है,
आप अगर किसी वन की क्षति कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, विकास कार्यों में, तो उतना ही जो वन है उसको लगाने के लिए उस वन का जो निवल मूल्य है, जो नेट वैल्यू है वन की, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसका आप एक फंड बनाते हैं, उस फंड में रखते हैं और दूसरे जगह पे अगल बगल के पुनर्वनीकरण करते हैं। तो उसके लिए कैंपा कोष बनाया गया। तो भारत में निजी क्षेत्र ये कार्य करता है, इस तरीके से वित्तीयन करता है। सरकारी प्रयास भी क्या है, बजटीय सहायता, हर वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में कुछ प्रावधान करती है, और नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो भारत की 2008 की जो प्लान है क्लाइमेट चेंज से निपटने का, वो महत्वपूर्ण है सरकारी प्रयासों में वित्तीयन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुदान से भारत सहायता लेता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड आदि से, तो आप इसको बता सकते हैं, एडॉप्टेशन फंड बता सकते हैं। इस प्रकार से भारत में जलवायु वित्तीयन होता है। तो मैंने एक भारत स्पेसिफिक भी पॉइंट रख दिए कुछ। अब मैं निष्कर्ष की ओर जाऊंगा। निष्कर्ष में क्या लिखा हूं वो देखिए, मैंने आपको समझा शुरू में ही दिया है। उपरोक्त शमन उपायों के साथ साथ क्लाइमेट इंजीनियरिंग, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तकनीक, इसको हिंदी में प्रतिग्रहण लिखते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तकनीकों आदि हेतु भी वित्तीयन की प्रमुख भूमिका है। अतः जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान सहयोग, वैज्ञानिक नजरिए तथा साझा उत्तरदायित्व के साथ साथ एक सतत वित्तीयन तंत्र से संभव है, जिसके लिए वैश्विक समुदाय का प्रयास आवश्यक है। तो मैंने क्या बताया, देखिए जो उपरोक्त उपाय हैं सब क्या हैं, शमन उपाय हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन क्या कुछ समस्या आ रही है और हम उसका वित्तीयन द्वारा समाधान कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्रेसिव होके जलवायु परिवर्तन को भी तो रोकना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्लाइमेट इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मिररिंग किया जाता है, स्पेस में मिररिंग की जाती है, छोटे छोटे लेंस लगाए जाते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाए, जिसको हम एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो बढ़ जाए, या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तकनीकें होती हैं खूब ढेर सारी, जो वायुमंडल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह इकट्ठा करके उसको या तो भूमि के अंदर दबा दिया जाए, या फिर उसका एनर्जी बनाने में, इथेनॉल बनाने में यूज़ कर लिया जाए। आपको पता होगा CO2 से इथेनॉल बन जाता है। तो अलग अलग तरीके जो क्लाइमेट इंजीनियरिंग है उसके करने के लिए भी क्या है भाई, जो ये सब तकनीक आएंगी इसको करने के लिए भी क्या चाहिए हमें, पैसा, और उसके लिए यानी क्या, वित्तीयन की प्रमुख भूमिका। मैंने ये समझाया निष्कर्ष में। फिर मैंने क्या बताया, अतः जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग, वैज्ञानिक नजरिए से देखना पड़ेगा, साझा उत्तरदायित्व तो समझना पड़ेगा सबको, जिसको हम CBDR बोलते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, के साथ साथ एक सतत वित्तीयन तंत्र होना चाहिए, और जिसके लिए क्या करना चाहिए, वैश्विक समुदाय का साझा प्रयास आवश्यक है। तो आपको इस बात को समझ के अपना आंसर राइटिंग करना चाहिए। दोस्तों फिर से मैं रोज यही बात बोलता हूं कि ये ज्ञान की नहीं बल्कि समझ ही परीक्षा है। कितना ज्ञान आप उड़ेल देंगे उस वो मैटर नहीं करता है। आपको हो सकता है कि मेरे आंसर से एक दो प्रश्न, एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में उसको अवश्य बताएं अगर आपको आते हैं। लेकिन इस बात को समझें कि स्पेस और टाइम जो हमारे पास फिक्स है उसमें आप कितना इफेक्टिवली और इफिशियंटली आंसर लिख सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। धन्यवाद।